झारखंड की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। पक्ष विपक्ष अब आर पार की लड़ाई का मन बना चुके हैं। एक तरफ जमीन घोटाला मामले में ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन डाला है। इसका हवाला देते हुए मैसेंजर के जरिए इसकी सूचना ईडी के जोनल ऑफिस तक पहुंचा दी गई है। अब सवाल है कि रिट पिटीशन में आखिर है क्या? क्या सीएम ने सिर्फ समन को चुनौती दी है या ईडी की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठाया है? इन दो सवालों के जवाब के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आर पार की लड़ाई के मूड में उतर गए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर रांची के काके थाना में FIR दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगा है कि बाबूलाल मरांडी राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अपना पोस्ट किया है जिसपे उन्होंने हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में कहा है कि वो पैदाती लुटेरे हैं और पैदाशी गड़बड़ हैं। यह शब्द बाबूलाल मरांडी जी का हमारे आदिवासी समाज के नेता के बारे में कहना बिल्कुल ही अपमानजनक है। इसे हम काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे हैं और बाकी दूसरे समाज के लोगों के द्वारा भी यह कहा जा रहा है कि बाबूलाल मरांडी जी खुद आदिवासी हैं। इधर ईडी के दूसरे समन पर सीएम ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे और सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल किया, जिसे लेकर सूबे की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ईडी सिर्फ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ही कार्रवाई करती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि सीएम ईडी के साथ आंख मिचौली खेल रहे हैं। अब कानूनी सलाह के आधार पर यदि वो नहीं गए हैं तो मेरी नज़र में ये गलत है। अब सवाल ये है कि क्यों नहीं गए, इसका बेहतर जवाब तो सीएम साहब दे सकते हैं। मुझे लगता है कि फिर उन्होंने समय लिया होगा, समय मांगा होगा। अब ईडी उसको क्या करता है ये तो ईडी के ऊपर निर्भर करता है। भाई देखिए, जवाब तो देना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अरे सीपी सिंह साहब का क्या है? सीपी सिंह साहब ईडी के प्रवक्ता है क्या? सबसे दुर्भाग्य की बात यही है कि ईडी का कोई भी बयान आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग उसके प्रवक्ता बन करके बयान देते हैं। सबसे पहले सूत्र के हवाले से वही लोग खबर चलाते हैं। तो इसी से ईडी पे संदेह पैदा होता है कि ईडी के की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता के तौर पे क्यों बोलते हैं? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी कार्यालय नहीं जाने और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को लेकर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान सामने आया है। मनोज पांडे ने कहा कि जब कार्यपालिका निरंकुश हो जाता है तो न्यायपालिका के पास जाना पड़ता है। ये सुनते हैं मनोज पांडे ने क्या कहा है। इस तरह की नसीहत देने वाली पार्टी बीजेपी को यह नसीहत याद उस समय नहीं आता जब मणिपुर की घटना पर पूरी संसद ठप हो गई, प्रधानमंत्री महोदय से मांग की गई कि इसमें आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, आप इसमें बातें रखिए, वो भागते रहे संसद से। उस समय यह नसीहत नहीं देना था। आज तो हम देखिए, लोकतंत्र में तीन जो स्तंभ हैं महत्वपूर्ण, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका। और कार्यपालिका जब निरंकुश हो जाए, जब शासक निरंकुश हो जाए और विधायिका को भी अपने बहुमत के अहंकार में अपने कब्जे में रखे, तो न्यायपालिका ही एक उम्मीद की किरण बचती है। और न्यायपालिका ने पहले भी हमें राहत दी है और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो कारनामे किए जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा, इस बार भी हमें राहत मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने को लेकर रांची के कांके थाना में FIR दर्ज की गई। FIR में आरोप लगाया गया कि बाबूलाल मरांडी राजनीतिक लाभ लेने के लिए शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ
खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने मामले पर कहा कि सरकार को यह भ्रम है कि वो बाबूलाल मरांडी और पार्टी को परेशान कर देगी, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए। और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है और जो बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है, तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। और हमारी सूचना है कि ऐसे दर्जनों मुकदमे आने वाले दिन में कराए जाएंगे। सर, कि लगातार झारखंड की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने समन भेजा, समन पर मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हुए, एक बंद लिफाफा जरूर भेजा गया ईडी कार्यालय, लेकिन जैसे ही बंद लिफाफा पहुंचता है, जैसे ही बंद लिफाफा ईडी कार्यालय पहुंचता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रिट पिटीशन दाखिल करते हैं। ये मुद्दा एक तरफ, दूसरी तरफ आज शाम एक और मुद्दा सामने आया जिसने झारखंड की राजनीति को बिल्कुल पूरी तरह से गर्मा कर रख दिया है। वो मुद्दा है बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रांची के काके थाना में एक FIR दर्ज हुआ है। FIR में आरोप लगा है कि बाबूलाल मरांडी ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव लगातार बने हुए हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत न्यूज 24 में। आज झारखंड की राजनीति गर्म हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जहां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष यानी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। क्या कहेंगे, आज का ये दिन झारखंड राजनीति के परिवेश से कितना बड़ा है? प्रतुल जी, हमारी आवाज अब जी आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। मैंने कहा ना कि बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर आज अलग अलग जिलों में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और हमें जानकारी है कि आने वाले दिनों में 30-40 ऐसे ही मुकदमे दर्ज होंगे। आयुष जी अपने टेक्निकल टीम को कह के थोड़ी सी आवाज ठीक करवा ले, आवाज बहुत बैक कर रही है, इको कर रही है। अपने टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्रतुल जी को आवाज थोड़ी परेशानी हो रही आवाज सुनने में, उसको ठीक किया जाए। फिलहाल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव लगातार बने हुए हैं, लेकिन आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए बहुत बड़ा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। हमारे साथ एक बार फिर प्रतुल शाहदेव बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हम चर्चा कर रहे थे बाबूलाल मरांडी पर जो FIR दर्ज हुआ है, प्रतुल जी उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां हैं जो बरबस याद आ जाती हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, और ऐसा लगता है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनके जितनी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सरकार के बड़े लोग हैं सबका विवेक मर गया है, और इनको लग रहा है कि ऐसे फर्जी मुकदमे करके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी को ये प्रेशर में ले आएंगे। और आयुष जी, मैं आपको अपडेट दे दूं, सिर्फ रांची में ये FIR दर्ज नहीं हुआ है, लातेहार में भी हुआ है, दुमका में भी हुआ है, सिमडेगा में भी हुआ है, और देवघर में भी हुआ है, और ताजा जानकारी के अनुसार कोडरमा में भी हुआ है। और हमें जानकारी मिल रही है कि ऐसे 30-40 मुकदमे ये दर्ज कराएंगे। तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को खुली चुनौती देते हैं कि आप 30-40 क्या 400 मुकदमे दर्ज करा ले, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी ने जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला कर रखा है और जो उनकी संकल्प यात्रा को शानदार सफलता मिल रही है और उससे तिलमिलाकर सरकार ऐसे फर्जी मुकदमे करवा रही है। और आयुष जी, कहते हैं ना जब तीर निशाने पे लगता है ना तो लोगों की ऐसी रिएक्शन आपको सामने देखने को मिलता है। बाबूलाल मरांडी जी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार में सरकार को एक्सपोज किया कि हेमंत सोरेन जी
हेमंत कुमार सोरेन हो जाते हैं जमीन की रजिस्ट्री में, शिबू सोरेन जी को शिव सोरेन बना देते हैं, बसंत सोरेन जी बसंत कुमार सोरेन हो जाते हैं और सब आदिवासियों की जमीन ये इस तरीके से रजिस्ट्री कराते हैं। तो ये सारा तीर निशाने पे लग रहा है, इसलिए ये सरकार फर्जी मुकदमे करा रही है। हमें कोई आपत्ति नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबूलाल जी का जीरो टॉलरेंस रहा है। आप 400 मुकदमे करवा ले, लेकिन ये अभियान रुकने वाला नहीं है। ऐसे मुकदमों से हम बिल्कुल नहीं डरते हैं और संकल्प यात्रा को जैसी सफलता मिल रही है, संथाल परगना को तो ये तथाकथित रूप से अपना गढ़ मानते थे, वहां हजारों हजार की संख्या में भीषण गर्मी में, कहीं कहीं बहुत तेज बारिश भी हो रही है, वहां भी हजारों की संख्या में लोग बाबूलाल जी को सुनने के लिए उमड़ रहे हैं और संकल्प यात्रा इस सरकार के ताबूत का अंतिम कील साबित होती नजर आ रही है। इससे यह सरकार बदहवास हो गई है और ये फर्जी मुकदमे करा रही है। आयुष जी, आपने एक पॉइंट और रेज किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के पास नहीं गए और जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट किया। तो हमारा मानना है ये मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ एजेंसीज स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये कांग्रेस का यूपीए का शासन काल नहीं है, जब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत फेमसली सीबीआई के बारे में कहा था कि सीबीआई तो पिंजरे में कैद तोते के समान हो गई। हमारे यहाँ एजेंसियों को जैसे जैसे साक्ष्य मिलता वो कार्य करती है। और हमारा मानना है कि मुख्यमंत्री जी अगर कोई गलती इन्होंने नहीं की, इनके पास कुछ छिपाने को नहीं है, तो एजेंसीज के साथ इनको कॉपरेट करना चाहिए। हमें लगता है मुख्यमंत्री को याद दिलाने का समय आ गया है कि इन्होंने जिस संविधान और कानून के प्रति आस्था की शपथ ली है, उसी कानून के दायरे के तहत इनको सम्मन किया गया है और ये सम्मन में सेकेंड सम्मन में नहीं गए। और आयुष जी, इनका लॉजिक क्या था? जैसी मीडिया में खबरें आ रही है, इनका लॉजिक था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन किया है, इसीलिए अभी इस मामले में सम्मन को जो है जारी किया गया, इसको वापस होना चाहिए। ऐसी मीडिया में खबरें आई है। अब आप बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्या दाखिल करने से इनको कहीं राहत मिल जाएगी? अभी तो इस पर सुनवाई नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना तो बहुत दूर का बात है, अभी ये लिस्ट भी नहीं हुआ है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी क्यों राहत की मांग कर रहे हैं? हमारा मानना था कि मुख्यमंत्री जी के पास अगर कुछ छिपाने को नहीं था तो इनको तो कोऑपरेट करना था ईडी के साथ, लेकिन आज भी वो इधर उधर की बातें करते दिखे। वो इधर उधर का अपना जो हाई प्रोफाइल लीगल टीम है, एक्सपेंसिव लीगल टीम है, पता नहीं कितने करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने मुकदमों में खर्च किए हैं, उनका सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हमें लगता है दाल में काला वाली बात तो हम सब जानते हैं, पूरी की पूरी दाल काली है, मुख्यमंत्री जी काफी कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए ईडी के सामने नहीं जा रहे। जी प्रतुल जी, देखिए ये तो पक्ष विपक्ष है, एक दूसरे को लेकर हमेशा घेरते नजर आएंगे। आप हो या फिर जेएमएम हो, कांग्रेस हो, गठबंधन के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, आमने सामने रहती है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं वो बड़े गंभीर लग रहे हैं। एक तरफ आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार संवैधानिक एजेंसी जैसे कि ईडी का गलत उपयोग कर रही है, वहीं झारखंड पुलिस पर यह आरोप लग रहा है कि झारखंड पुलिस का गलत इस्तेमाल मौजूदा झारखंड सरकार कर रही है। तो आखिरकार दोनों एजेंसी, अगर पुलिसकर्मी की बात कर लें और ईडी की बात कर लें, तो लगातार आरोप तो इन पर भी लग रहा है कि ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें कभी भी किसी कोई जांच से परहेज नहीं रहा। आपको याद होगा आयुष जी, जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उस समय एसआईटी ने उनको 10 घंटे एक तरीके से उनसे पूछताछ की थी। उस समय तो भाजपा ने कोई हायतौबा नहीं मचाया, उस समय तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा था, हालांकि उस समय वो मुख्यमंत्री ही थे, कि एजेंसी जो है बायस्ड है। हमने तो कोई इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाया था और बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई। इसके अतिरिक्त मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें, सबने राम जन्मभूमि केस में सीबीआई की इंक्वायरी को फेस किया। हमने तो कभी नहीं कहा कि सीबीआई पक्षपात कर रही है, सीबीआई एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को ईडी की कार्रवाई पर ये प्रश्न क्यों? जाहिर है ये काफी कुछ छिपा रहे हैं। और जहां तक मुकदमों की बात है, तो हमने क्या कहा, हमें पुलिस की भूमिका पर कोई आपत्ति नहीं है, आप जो करना है कर ले। हमें 40 मुकदमे क्या, 400 मुकदमे पे दिक्कत नहीं है, आप करते रहना। ऐसे भी सरकार ने भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर करीब 250 से ज्यादा फर्जी मुकदमे किए हैं, और हम तो मानते हैं कि जो गलत होता है वो गलत होता है, अंततः सत्य की विजय होती है। पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने आज सीधे तौर पर बीजेपी के नेताओं को ईडी का प्रवक्ता कहा है। उन्होंने कह दिया है कि ये भविष्यवाणी करते हैं ईडी का रिपोर्ट आने से पहले, ये पहले ही दोषी करार दे देते हैं। मौजूदा सरकार में जितने लोग, अगर उन पर कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है, तो रिपोर्ट आने से पहले बीजेपी के नेता जो है वो दोषी करार दे देते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए अब राजेश ठाकुर किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, वो तो उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है जिसके कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर है नेशनल हेराल्ड केस के 5,000 करोड़ रुपए के करप्शन में। उस समय जब इनको ईडी ने समन किया था तो पूरे राष्ट्रव्यापी धरना हुआ था। मैं आपको वही याद दिला रहा था कि नरेंद्र मोदी जी को जब एसआईटी ने समन किया था 10 घंटे पूछताछ की थी तो हमने तो कोई नौटंकी नहीं की थी। और जहां तक पुलिस की भूमिका की बात है तो हम तो अधिकारियों से सिर्फ यही कहेंगे कि उन्होंने संविधान के प्रति शपथ ली है, कानून का राज स्थापित करने की शपथ ली है, पॉलिटिकल मास्टर्स का टूल नहीं बनना चाहिए और मुकदमे करने दीजिए सरकार को, करवाने दीजिए फर्जी मुकदमे, कोई फिक्र नहीं। आपको गिरफ्तार करना है गिरफ्तार कर लीजिए, जेल में डालना है जेल में डाल दीजिए। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में भाजपा के कार्यकर्ताओं का भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगा, इसे इन फर्जी मुकदमों से आप नहीं रोक सकते। ठीक है, आप भ्रष्टाचार को लेकर बातें कह रहे थे, एक मुद्दा जो इन दिनों गर्म है और कांग्रेस लगातार उठा रही है सीएजी के रिपोर्ट को लेकर, सीएजी के रिपोर्ट के लेकर कांग्रेस कल पूरे राज्य भर में अलग अलग जिलों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उन्होंने पहले ये घोषणा कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम बीजेपी को घेरेंगे, केंद्र सरकार को घेरेंगे। ये सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस इतनी उत्सुक क्यों नजर आ रही है? देखिए ये ना समय समय पर अपना नजरिया बदलते हैं। यही सीएजी को ये इन पे बड़ी आपत्ति थी, सीएजी ने जब 2G 3G 4G कॉमनवेल्थ और स्पेक्ट्रम घोटाला तमाम चीजों पर आपत्ति जाहिर की थी, इनके जीजा जी के घोटाले पर भी आपत्ति जाहिर की थी जब जमीन का नेचर बदल के रॉबर्ट वाड्रा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय ने सीएजी बड़ा नावगवार गुजरता था। अब मैं आपको सीएजी का एक उदाहरण देता हूं कि ये किस तरीके से सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं। सीएजी ने किसी रोड का लागत बताया था कि 8 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए, 8 करोड़, और उसका जो कॉस्ट बढ़ के पर किलोमीटर है वो 125 किलोमीटर के आसपास हो गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप था। तो वो कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि जिस 2-3 करोड़ रुपए की बात वो सीएजी के रिपोर्ट में कही गई थी वो 2-लेन रोड था और वो एलिवेटेड हाईवे नहीं था। अब जो हाईवे बना है जिसकी लागत बढ़ गई है वो एलिवेटेड हाईवे है और 8 लेन है, तो कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। अगर आपको सीएजी की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति हो जाए अदालत में मुकदमा दर्ज करे, पीआईएल दर्ज करे। लेकिन इनको पता है ना कि यही सीएजी इनके लिए कभी सबसे बड़ा दुश्मन हुआ करता था जब 2G 3G और कॉमनवेल्थ घोटाले की बात थी, आज इसी सीएजी रिपोर्ट का ये यूज कर रहा है। हमारा मानना है कि सीएजी ने कहीं कुछ भी ऐसा नहीं कहा है जिसमें इस सरकार की छवि पर आंच आती है। जहां कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है नितिन गडकरी जी ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कहां 2G समतल भूमि पर, माफ कीजिएगा, 2 लेन समतल भूमि पर बनने वाला हाईवे था 2 लेन और वो 8 लेन एलिवेटेड हाईवे हो गया, यानी नीचे से जंगल के जो कॉरिडोर है जानवरों का वो जा सकते हैं बिना डिस्टर्बेंस के, तो उसका कॉस्ट तो बढ़ेगा ही। ये छोटा सा उदाहरण था, इनको जो मर्जी आता है करने दीजिए, देश की जनता जानती है कि जो सीएजी इनके लिए दुश्मन नंबर 1 था। आप जो कह रहे हैं हम इस बात को मानते हैं, चलिए ठीक है, हम सहमति भी आपके बातों के साथ जता रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा है जिसे दरकिनार तो नहीं किया जा सकता ना। आयुष्मान भारत में कई ऐसे रजिस्ट्रेशन किए गए हैं जो फर्जी नंबर के आधार पर किए गए, और हम ये नहीं कह रहे, ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं और बाकायदा इस रिपोर्ट में भी ये जिक्र किया गया है कि कई आयुष्मान भारत के तहत ऐसे रजिस्ट्रेशन किए गए हैं उसमें फर्जी नंबर के आधार पर किए गए हैं। जब नंबर को ढूंढा गया तो वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन आयुष्मान भारत में वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए आयुष्मान भारत योजना में अंशदान जो केंद्र का होता है वो 60% होता है, राज्य का 40% होता है, और कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ये 80-20 के रेशियो में चला जाता है। और आयुष्मान के लिए जो नोडल ऑफिसर होते हैं वो नेशनल जो हेल्थ कमीशन होता है, रूरल हेल्थ मिशन होता है, उसके डायरेक्टर होते हैं। NRHM जो है वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है, इसके नेशनल नाम से कंफ्यूज नहीं करें। तो अब जो राज्य सरकार को अपना अंशदान देके हॉस्पिटलों को जो पैसा देना था, आपने झारखंड में देखा ना रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई थी कि मुर्दों का भी जांच कर दिया गया। तो भाई ये तो नोडल एजेंसी इस पूरे चीज के लिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है जो राज्य सरकार के अधीन आती है, उसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर आते हैं, तो कहीं भी गड़बड़ी दिखती है तो उसमें FIR कीजिए ना। लेकिन आज आयुष्मान दुनिया की, बस फाइनल पॉइंट 10 सेकंड, आयुष्मान दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है जो सफलतापूर्वक चल रही है। झारखंड में जरूर 200 करोड़ रुपया पेमेंट इस सरकार ने हॉस्पिटलों का रोककर इस योजना को फेल किया। हमारा मानना है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन एक बड़ी योजना को आप ये कहकर इस पर आपत्ति नहीं कर सकते कि 1 करोड़ अगर बेनिफिशियरी है तो 10 लोगों ने इसका गलत फायदा उठाया। 10 लोगों पर FIR कीजिए,
लेकिन 99,90,000 एक आखिरी सवाल प्रज्वल जी आपसे जी, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम किया था कुछ महीने पहले हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री महोदय ने, और अब संकल्प यात्रा कर रही है बीजेपी, जो कि बाबूलाल मरांडी कर रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष। आप बताइए, आप धरातल पर क्या देख रहे हैं? क्या हेमंत सोरेन को ज्यादा समर्थन मिला था? और जाहिर सी बात है, आप बाबूलाल मरांडी के बारे में तो कहेंगे कि हाँ उन्हें अच्छा समर्थन मिल रहा था। आप सच्चाई बताएं क्या हो रहा है? देखिए, हमारे कहने का आवश्यकता नहीं है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, आप वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, आपके रिपोर्टर सब जगह हैं। आप देख रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी की संकल्प यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। डुमरी में जो उनकी चुनावी सभा थी, उतनी बड़ी सभा उसका तो 10वां हिस्सा भी मुख्यमंत्री जी सरकारी तंत्र के सहारे भी नहीं जुटा पाए थे। तो ये जो परिवर्तन की ब्याह बढ़ रही है ना, वो पूरे प्रदेश में दिख रही है। और मुख्यमंत्री जी का जो आपकी सरकार आपके द्वार थी ना, तो इस बार आपकी सरकार को बाहर का द्वार जनता दिखाने वाली है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एक तरफ जहां चुनावी संघर्ष देखने को मिल रहा है, एक तरफ जहां डुमरी उपचुनाव की बात चल रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे, तीसरी तरफ बाबूलाल मरांडी पर कई जिलों में FIR दर्ज होता है। इस वक्त पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं की राजनीति गरमाई हुई है तो है झारखंड प्रदेश की। लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। हमारे सहयोगी धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, हमने बीजेपी, हम अपने सहयोगी धनंजय से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बता दें कि जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कह दिया है कि अभी तो बाबूलाल को दबाने के लिए महज कुछ जिलों में, 4 या 5 जिलों में FIR दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में 30 से 40 भी FIR की संख्या हो सकती है। मतलब बीजेपी मानसिक तौर से तैयार है कि उन पर FIR होने वाली। उसके पीछे का बेस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये तो भाई आने वाला समय बताएगा, लेकिन हमारे सहयोगी धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय हमारे साथ बने हुए हैं, हम एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि लगातार झारखंड की राजनीति गर्माई हुई है, ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव है, और कुछ दिनों की दूर की बात कर लें, सेमीफाइनल सामने है। सेमीफाइनल यानी कि डुमरी उपचुनाव। यहां बीजेपी भी दावा कर रही है, एनडीए भी दावा कर रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ इंडिए यानी कि INDIAA इंडिया गठबंधन भी लगातार दावा कर रही है कि हम जीतने वाले हैं। हमारे सहयोगी धनंजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धनंजय, जिस तरह से आज झारखंड की राजनीति में दो तरफा वार देखने को मिला है, एक तरफ जहां ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में, और अगर कह लिया जाए न्यायपालिका की बात, तो बाबूलाल मरांडी के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। और FIR किस तर्ज पर दर्ज किया गया वो हम आपको बताते हैं। FIR इसलिए दर्ज किया गया है, जो FIR शिकायत करता है, FIR जिन्होंने दर्ज किया, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन परिवार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। आप बताएं पूरी जानकारी। आयुष, देखिए, आज सबसे पहली बात तो जब बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके जैसे जानकारी दी कि 4 जिलों में उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है, और उन्होंने कहा कि रावण भी जब घमंडी हुआ तो उनका भी सर कटा था, तो ट्वीट करके जानकारी दी और उसके बाद हलचल पूरी तरह से मच गई। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। आप सोचिए, बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा पे निकले हैं, संकल्प यात्रा के दौरान वो शुरू से ही, चाहे रांची से ही उन्होंने जब यात्रा शुरू की थी, तब से उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पे हमला करते गए। राजनीति का प्रत्यारोप या आरोप प्रत्यारोप लगा रहता है। अब बहरहाल बाबूलाल मरांडी की उन बयानों को इकट्ठा करके, FIR सरकार है, सरकार करवा सकता है, किसी के द्वारा FIR करवा सकता है, उन्होंने FIR करवा दिया। साथ साथ बाबूलाल मरांडी ने कहा कि FIR कराने से हम डरने वाले नहीं, हम उसी तरह से तेज तरार होके और आगे बढ़ेंगे, और जो भी झारखंड के हित के लिए काम नहीं कर रहे, झारखंड के बर्बादी को लेकर जरा तमाम चीज हम सबके सामने उजागर करेंगे, चाहे जितने भी FIR कर ले, भाजपा किसी से डरती नहीं और डरने वाली नहीं है। अब देखने वाली ये बात होगी कि FIR होने के बाद क्या स्टैंड होता है, कि बीजेपी आज तो पूरी पुरजोर तरीके से हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है।
अब बावला मरांडी ने जब जैसे क्यों उनके परिवार जिस तरह जमीन लूटपाट कर रहे हैं, खनन माफियाओं के साथ हैं, उसके बाद तमाम जो माफिया, शराब माफिया हो, खनन माफिया हो, लैंड माफिया हो, तमाम लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहां लूटा जा रहा है, आदिवासी का नाम बदल बदल के जमीन लूटने के बाद बावला मरांडी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हेमंत कुमार सोरेन, बसंत कुमार सोरेन हो जाता है, दुर्गा प्रसाद सोरेन हो जाता है, तो सभी तमाम जो नामे हैं चेंज कर दिया जाता है और आदिवासी जमीन को हड़प लेते हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासियों को जमीन हड़पना कहीं ना कहीं आदिवासियों को मूर्ख बना के और तमाम चीजों को बरगला करके उन अपने सत्ता के बल पे झारखंड को लूटना चाह रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर बावला मरांडी संकल्प यात्रा कर रहे हैं कि 2024 में विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव भी है, तो इन मुद्दों को लेकर भुनाना की कोशिश कर रहे हैं और संकल्प यात्रा का दूसरा दौर भी चल रहा है। तो दूसरे दौर के दौरान ही रांची के काके थाने हो या फिर बाकी और तीन जिलों में FIR दर्ज करा दिया गया कार्यकर्ताओं के द्वारा। अब FIR दर्ज होने के बाद तमाम धाराओं में FIR दर्ज कर लिए गए हैं। अब सरकार है उनकी, तो सरकार के बलबूते पे कुछ भी करा सकते, बावला मरांडी और बीजेपी का कहना है, लेकिन बीजेपी का साफ साफ कहना है कि हम इन FIR से डरने वाले नहीं है और कड़ी जो उन्हें FIR दर्ज किया इसका विरोध करते हैं और हम इन FIR को और आगे जो FIR किए हैं उससे हम डरेंगे नहीं और अपने बयान को इसी तरह से लोगों के सामने लेके जाएंगे। इन मुद्दों को लेकर पूरी तरह से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गया। दूसरी बात अगर जैसे बात करें ईडी के मामला, हेमंत सोरेन की जो ईडी के मामला दूसरा समन था आयुष, उस समन को लेकर आज ईडी कार्यालय पहुंचना था सुबह सुबह, वो नहीं पहुंचे। ईडी कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर जो थे बैठे हुए थे वो आए गए, उसे पूछताछ की जगह क्वेश्चन तैयार किए गए थे, नहीं आए। एक डाकिया के तौर पे एक सचिवालय से कर्मी आते, सीएम के ऑफिस से कर्मी आते हैं, एक बंद लिफाफा में देखे तुरंत निकल जाते। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश की बोला कि हमें कुछ जानकारी बंद लिफाफा है, वहां सीएम ऑफिस से भेजा गया था, हम देखे चले गए। उसी दौरान पता चलता है कि हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर दिया गया, हलफनामा दायर कर दिया गया ईडी के समन के खिलाफ। उन्होंने हम लोग इसी एक बयान के तौर पे प्रोजेक्ट भवन में बैठे हुए थे कि हेमंत सोरेन से जानकारी लेंगे कि आखिर आप समन के दो दो समन के बावजूद आप क्यों नहीं जा रहे हैं पूछताछ के लिए। तो हेमंत सोरेन ने निकलते निकलते बिना नाम लिए का चंद्रयान नीचे आ चुका है। यानी इस बयान का मतलब, इतने कड़ी प्रतिक्रिया दिया है हेमंत सोरेन ने, सर से पानी नीचे आ चुका है। अगर आप बयान के तौर पे देखा जाए, अगर आम बोलचाल भाषा में इसको समझने के, सर से पानी नीचे आ चुका है, यानी आप कुछ भी कर लिए हम नहीं हटने वाले हैं जी। चाहे आप जितना भी ईडी सीबीआई लगा लें। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय, आपने जो मुद्दा उठाया और जो सीएम के बयान के बारे में कहा है, ये राजनीतिक एंगल से बहुत बड़ा बयान है। बिना कुछ सवाल किए सीएम प्रोजेक्ट भवन से बाहर निकलते हैं और सिर्फ एक लफ्ज में कुछ शब्द कहते हैं। वो शब्द क्या थी उस पर पूरे झारखंड वासियों को गौर करना चाहिए। वो शब्द थे कि चंद्रयान नीचे आ चुका है। अब इसके कई राजनीतिक मायने हो सकते हैं, आप सोचिएगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये क्यों कहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।